रिजल्ट। आप 21-9 को तो लोकल इलेक्शन में बिजी थी इसलिए नहीं आ पाई। आगे आ जाइए प्लीज आप जी। उसके बाद क्या हो गया आपको? फिर सर हमने कहा गया कि 29-9 को आप पर्सनली प्रेजेंट रहेंगी, फिर 29-9 को भी आप नहीं आई। सर यू हैव सम रिगार्ड फॉर दिस कोर्ट और नो? एब्सोल्युटली हैव दैट मोस्ट रिगार्ड फॉर द कोर्ट सर। 28-10 को बुलाया गया तब भी आप नहीं आई। आपकी प्रेजेंस डिस्पेंस करने की एप्लीकेशन भी कोऑर्डिनेट बेंच रिजेक्ट कर चुका था। सर ऑन द 28th वी हैड अ विजिट बाय द कैबिनेट मिनिस्टर सर। देयर वाज अ टूर प्रोग्राम। इज कैबिनेट मिनिस्टर अबव हाई कोर्ट? नो। और आपने एप्लीकेशन भेजी थी क्या ऐसी कि कैबिनेट मिनिस्टर की विजिट है इसलिए आप नहीं आ सकती? वेदर यू हैड गिवन दिस इंटीमेशन टू द गवर्नमेंट एडवोकेट? सर और यू थिंक दैट यू आर अबव द हाई कोर्ट? नो सर। देन ये आपका कंडक्ट क्या मैसेज दे रहा है? आपको इशू मालूम है आप क्यों बुलाई गई हैं यहाँ पर? Yes. क्या इशू है सर? एक वन अधिकार पट्टा स्वीकृत हुआ था सर। मैंडेट नंबर 1 है इस केस में सर। उस केस के संबंध में सर उसके विरुद्ध SECL आए हैं कोर्ट में सर। और उनका कहना है कि वो फॉरेस्ट लैंड है ही नहीं, वो उनकी एक्वायर्ड लैंड है। यही कहते हैं इन्होंने दी हमको। आपने ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं पेमेंट ऑफ नियर अबाउट 60 करोड़। कैसे पट्टा स्वीकृत हो गया जब जमीन आप ऑलरेडी दे चुके हैं सर? कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के बाद हमने पूरे प्रकरण की सर पुनः जांच की सर। उसमें जो हमने अभिलेख देखे उसके अनुसार ये बात निकल के आती है सर कि 2010 में इस व्यक्ति को जो पट्टा स्वीकृत हुआ था सर वो एक त्रुटिपूर्ण तरीके से स्वीकृत हुआ, क्योंकि तत्समय सर उपखंड स्तरीय समिति ने जो प्रस्ताव कलेक्टर साहब को भेजा वो प्रस्ताव सर पार्शियल था सर। जिन्होंने वो प्रस्ताव भेजा था सर एक CO जनपद जिनका पत्र आया था सर, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे सर। लिखेंगे मतलब सर? Have you taken any action against them? सर नॉट येट सर, अभी वो हमारे जिले में पदस्थ नहीं है सर। 2010 में जो अधिकारी जानकारी में कब आया आपके कि उन्होंने गलत प्रस्ताव दिया था सर? 6-9 को जब कोर्ट का आदेश हुआ सर उसके बाद में हमने इस प्रकरण को ढूंढवाया। उसके बाद आपने क्या लिखा सर? उसके बाद में 22-9 को SDO फॉरेस्ट का हमारे पास प्रतिवेदन पुनः आया कि त्रुटिपूर्ण तरीके से आदेश पारित किया गया है सर। उस रिपोर्ट के आधार पे हमने 23-9 को वन समिति की बैठक कराई और सर इसमें हमने सुधार किया जो पूर्व में गलत आदेश कलेक्टर का जारी हुआ था सर। पुनः वन अधिकार समिति की बैठक लेके सर उसको हमने करेक्ट किया सर। तो इनकी जमीन इनके पास वापस चली गई SECL की जमीन सर? हमने जो पट्टा है उसको निरस्त कर दिया है। निरस्त कर दिया, तो आपकी ग्रीवेंस खत्म हो गई। अब आप एक्शन लीजिए, हमें लिख देते हैं आपके अंडरटेकिंग, यू विल टेक एक्शन अगेंस्ट द डेलिक्वेंट ऑफिशियल। ही विल डू दैट सर। ही इज नॉट पोस्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट। आई एम रिटायर्ड व्होएवर इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आई एम फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1। जी पट्टा वाज ग्रांटेड टू मी इन द ईयर 2010। भाई दे हैव कैंसिल्ड पट्टा, यू हैव अ रेमेडी अगेंस्ट दैट ऑर्डर। दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, इट इज द अथॉरिटी अंडर सेक्शन। यू चैलेंज दैट देयर ऑर्डर, यू चैलेंज देयर ऑर्डर बिफोर एप्रोप्रिएट। राइट नाउ वी आर कंसर्न्ड विद ओनली वन थिंग। कंटेंशन ऑफ SECL इज that certain piece of land was allotted by the state government. They had paid compensation or whatever you say cost of that land. Thereafter, the state government was not competent to allot any portion of that land which was given to SECL in favor of anybody else. We are not dealing with your rights and claims. That is for the authorities to look into it. Their conduct may be seen. Whose conduct? Order of the state government authorities. That is what madam is saying, that she will take action or she will write to the superior authorities order to take action. Order has attained finality from the appellate authority. Now sir, when they were... No, may I just complete? Please. When their conduct was under the scrutiny of this honorable court and they were again and again asked to produce the records before this honorable court. At the stroke of a pen, they pass an order that your lease is cancelled. You challenge that order. Yes. You are not remedy-less. She will answer all those things before the appropriate court where those proceedings will be undertaken. That liberty will be given. Yes. Shri Grishma Jain, Learned Counsel for the petitioner. Shri Siddhant Kochar for respondent number 1. Shri Shiv Kumar Shirvastav for respondent number 2, 3 and 4 along with Ms. Sonia Meena, respondent number 3, Collector Anuppur.
Ms. Sonia Meena, Collector Anupur, submits that it was noticed by the authorities that patta which was allotted in favor of respondent number 1, Rakesh Kumar Panika, was allotted on the basis of erroneous recommendations made by the CEO Janpat. Yeah. CEO Janpat Panchayat. Okay. Sir Jatari. 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 District Anuppur. And since that CEO is not posted within her jurisdiction, she will write to the competent authority to take action against the concerned CEO for making erroneous recommendation. Next. तो CEO ने जो recommend किया था वो basis of the समिति से. अरे जो भी किया था वो नहीं recommendation. बोल वैसे. लेके action जिसके खिलाफ लेना है. सर सर. Stop at this stage. Shri Shiv Kumar Srivastav submits that recommendations of the CEO were based on the recommendations of the one subdivisional committee of forest. Subdivisional committee forest. Subdivisional committee under the Forest Rights Act. Under the Forest Rights Act, subdivisional committee under the Forest Rights Act. Full stop. Next paragraph. At this stage, Shri Siddhant Kochar, appearing for Rakesh Kumar Panika, submits that patta has been erroneously cancelled, though it was upheld even by the rights or liabilities of the respondent number 1, Rakesh Kumar Panika. Full stop. Only issue which has been agitated before this court is that the piece of land which was allotted in favor of SECL